हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और पिछले पार्ट वन, जो प्रकाश का परावर्तन में, जो हमने पार्ट वन में अभिलंब क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होती है, आपतित किरण क्या होती है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, और दर्पण क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, हमें चीज़ें कैसे दिखती हैं और प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, ये सारी चीज़ें हमने पार्ट वन में डिस्कस कर ली थी। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, और उसके साथ साथ समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है और उसके नियम क्या होते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और पार्ट वन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रकाश के परावर्तन, परावर्तन के नियम। तो इसके दो नियम होते हैं। प्रकाश का जो परावर्तन होता है किसी भी दर्पण से, तो इसके दो नियम होते हैं, जो एनसीईआरटी में दो ही नियम दिए हैं। प्रतिबिंब दर्पण में इन्हीं नियमों की वजह से बनते हैं। तो आइए पहला नियम डिस्कस करते हैं, और ये काफी फंडामेंटल नियम है, काफी जरूरी नियम है, जो हमारे प्रकाश के चैप्टर में यूज होते हैं। यह कोई हमारा मिरर है या दर्पण है। अब इस पर जब भी कोई लाइट किसी एंगल पर आकर के गिरती है, मतलब ये अगर इसके साथ 90 डिग्री का एंगल ना बना करके कोई और एंगल बना रही है, ठीक है, तो ये जो एंगल है, ये जिस एंगल पे आकर के गिरेगी, अब उसी एंगल से ये यूं करके वापस लौट जाएगी, ठीक है। ये जो एंगल होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम ये कहता है कि जो आपतन कोण है, आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। हमने पिछले वीडियो में देखा था, ये जो है वो आपतन कोण है और ये जो है वो परावर्तन कोण है। तो जो पहला नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो हमारा समतल है, मतलब ये जो है, ये तीनों के तीनों, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर, ये जो आपतन बिंदु है, इस बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। ये कैसे तल में होते हैं तीनों? यहाँ पर देखो, ये एक पूरा एक सर वो समतल बन रहा है। इसके जो ये परपेंडिकुलर प्लेन है, जो मिरर के, ये मिरर हमारा जमीन पर रखा हुआ है, और उसके ऊपर जो प्लेन है, अगर ये लाइट तिरछी आ रही है तो ये प्लेन तिरछा होगा, अगर वर्टिकल आ रही है, मतलब सी परपेंडिकुलर लंबवत आ रही है, तो ये लंबवत होगा, ठीक है। तो ये मस्ट कंडीशन है कि अगर हमको एंगल को डिफाइन करना है, आपतन कोण को बताना है, परावर्तन कोण को बताना है और इस अभिलंब को बताना है, तो हमें ये एक प्लेन की जरूरत पड़ेगी, और ये तीनों के तीनों इस एक ही प्लेन में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनको अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख भी सकते हो। पहला नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जिस लाइट, जिस एंगल पे लाइट आएगी उसी एंगल से जाएगी, ठीक है। दूसरा नियम ये है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, कहाँ पर? आपतन बिंदु पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसका रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा। खींचा गया अभिलंब, जो हम अभिलंब खींचते हैं वो आपतन बिंदु पर ही होना चाहिए, और कहीं नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर और कहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तल का मतलब होता है एक प्लेन में होते हैं, एक समतल में होते हैं। इनका तीनों एक ही तल में होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें परावर्तन कोण और आपतन कोण को डिफाइन करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक ये मैं बताना चाह रहा था कि जो हमारा ये नॉर्मल है, जो अभिलंब है, ये इस आपतन बिंदु पर ही होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो आपने ये जो अभिलंब है इसको यहाँ खींच दिया, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री का अभिलंब हो गया, ठीक है, और लाइट आपकी यहाँ पे आकर के गिर रही है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर आकर के आपकी लाइट गिर रही है, और अभिलंब आपने अगर यहाँ बना दिया, तो आपतित किरण यहाँ आई, परावर्तित किरण यहाँ आई, तो आप कैसे डिफाइन करोगे आपतन कोण और परावर्तन कोण को, अगर आपका यहाँ पे अभिलंब नहीं होगा तो, ठीक है।
तो इसीलिए यह जरूरी है कि आप यहाँ पर इसी पॉइंट पर आपतन बिंदु पर ही अभिलंब खींचो, तभी आपतन कोण और परावर्तन कोण को डिफाइन कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, किसी किसी किताब में ये कहीं पे आपको मिल जाएगा, कहीं इंटरनेट पे या किसी कोई टीचर के कोई बताएंगे कि इसके एक तीसरा नियम भी होता है, लेकिन वो एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है इसलिए मैं उसकी बात ज़्यादा नहीं करूँगा। बट वो ये नियम है, वैसे इन्हीं दो से ही वो तीसरा नियम बना दिया गया है, लेकिन मेन जो है वो ये दो ही हैं कि ये जो है ये आपतित किरण, जो आपतित किरण है वो परावर्तित किरण, ये और ये दोनों एक दूसरे के दूसरी तरफ होने चाहिए। जैसे कि मान लो अगर आपका ये यहाँ से लाइट आई, ठीक है, और इधर को लौट करके चली गई और यहाँ पे आपने अभिलंब खींच दिया, ये आपका 90 डिग्री का अभिलंब हो गया, और यहाँ से लाइट आई, यहाँ से मान लो लाइट आई और वो इधर को चली गई बाई चांस, तो क्या होगा? अगर मान लो आपने लौटा तो दी, परावर्तन तो कर दिया, लेकिन क्या आपका आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है? नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम ये नहीं कह सकते कि ये परावर्तन हो रहा है यहाँ पे। एक्चुअली में क्या होता है, लाइट जिस एंगल से आती है अभिलंब के साथ, उसी एंगल से अभिलंब के साथ जानी चाहिए। तो तीसरा नियम लोग ये बना दिया है कि ये जो आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों अभिलंब के एक दूसरे के, एक इधर है तो दूसरी इधर होनी चाहिए, मतलब अपोजिट साइड पे होनी चाहिए दोनों। अगर ये भी इधर इधर की साइड है और ये भी इधर की साइड है तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गया? ये भी मतलब इस साइड है और ये भी इस साइड है अभिलंब के, ऐसा नहीं होगा। मतलब अभिलंब के एक साइड एक किरण है तो अभिलंब के दूसरी साइड दूसरी किरण होनी चाहिए। ये कहीं कहीं पे तीसरा नियम बन गया है, लेकिन वो तीसरा नियम पहले में ही छुपा हुआ है। एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब है, आप उन्हीं को फॉलो कीजिए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण और ये जो परावर्तन के नियम है ना, परावर्तन के नियम, ये पॉइंट लिख लेना आप, परावर्तन के नियम हर कंडीशन में लागू होते हैं। परावर्तन के नियम सभी दर्पणों पर, कैसा भी दर्पण हो। ठीक है, अभी हम गोलीय दर्पण पढ़ेंगे अगले आने वाले वीडियोस में। तो परावर्तन के जो नियम हैं वो, परावर्तन के नियम हर एक दर्पण पर हर परावर्तक पृष्ठ के लिए लागू होते हैं। हर दर्पण पर हर परावर्तक, अभी इसका मतलब बताऊंगा मैं आपको क्या होता है, हर दर्पण पर हर परावर्तक पृष्ठ के लिए सत्य हैं। ये सत्य लिखा है, मेरा थोड़ा राइटिंग इसमें खराब आ रहा है, उसके लिए आप थोड़ा, बट जो मैं बोल भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ तो शायद आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर जो हमारा हर दर्पण के लिए, इसका मतलब ये है कि वो समतल दर्पण है, ऐसे करके कोई समतल दर्पण है, ठीक है, मतलब प्लेन मिरर इसको बोलते हैं समतल दर्पण। ठीक है, समतल है ये, प्लेन है, तो अगर समतल दर्पण है कोई तो वो भी उस पर भी लागू होंगे, इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो हमारे घर में हम फेस देखने के लिए जो यूज करते हैं, चेहरा देखने के लिए, उसको प्लेन मिरर बोलते हैं। और जैसे मान लो आपके ऐसे करके मिरर आएंगे, अभी एक मिरर ये वाला आएगा, ठीक है, दूसरा मिरर ये वाला आएगा, इस पर पॉलिश कर देंगे अंदर की साइड, ठीक है, तो ऐसे मिरर जो आएंगे इनको बोलते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, तो जो परावर्तन के नियम है वो इनके लिए भी लागू होते हैं, ये है आपका गोलीय दर्पण, इनके लिए भी परावर्तन के नियम लागू होते हैं और समतल दर्पण के लिए भी लागू होते हैं, और किसी भी टाइप का दर्पण हो, हर दर्पण के लिए और भी टाइप के दर्पण होते हैं, वो आपको 10th क्लास में नहीं है, ठीक है, 10th क्लास में ये दो तीन ही मिरर हैं। एक होता है परवलयाकार, ठीक है, पर वलयाकार दर्पण बोलते हैं, ये काफी मतलब बड़े दर्पण होते हैं, जैसे इस टाइप के बड़े साइज के, ठीक है, उन्हें परवलयाकार बोलते हैं। तो जो हमारा मान लो यहाँ पे तुमने पॉलिश कर दी थी, अवतल दर्पण जो है वो स्फीयर में से बनते हैं, गोले को काट करके बनाए बनते हैं, गोले का एक गोला की त्रिज्या होती है, परवलय एक ऐसा मतलब इस टाइप की शेप होती है जो जिस जो एक प्रॉपर त्रिज्या को उसकी हम डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे रेडियस होती है उस टाइप से हम
पर वलय में डिफाइन नहीं करते हैं, ये आपके है भी नहीं है इस सिलेबस में, तो इस पे ज़्यादा आप कंसंट्रेट मत हो। ये मैं आपको बस जो आपके सिलेबस में है उतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। अब हर टाइप के दर्पण पे लागू होते हैं, और दूसरी चीज़ है कि हर टाइप के पृष्ठ पे, जैसे मान लो एक यहाँ पे लाइट आएगी, ठीक है, ये यूँ आएगी यूँ चली जाएगी, ठीक है, ये क्या है, समतल पृष्ठ है, बहुत प्लेन सरफेस है, बहुत स्मूथ है, बिल्कुल साफ सीधा। अगर मान लो कहीं पे खुरदुरा पृष्ठ है, खुरदुरा या रफ, ठीक है, आसमान, ठीक है, खुरदुरा पृष्ठ है मतलब रफ टाइप है, जैसे खुरदुरा तो समझते हो ना, तो जैसे मान लो इस टाइप का कोई खुरदुरा सरफेस है ऐसे, ठीक है। तो अब लाइट अगर इस पे आकर के गिर रही है, तो उसमें भी आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे, परावर्तन के नियम मतलब लागू होंगे, ठीक है। ये ना किसी दर्पण के लिए फेल होते हैं, ना ये कैसा भी खुरदुरा सरफेस हो, टेढ़ा हो मेढ़ा हो, लाइट आएगी और जाएगी, ठीक है, और अविलंब भी बनेगा यहाँ पे। जैसे ये वाला पॉइंट है सपोज, ठीक है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, तो इस वाले पॉइंट पे मान लो अविलंब बना इधर की तरफ, तो अगर लाइट इधर से आएगी तो वो अविलंब से यहाँ से टकरा के इधर को जाएगी, और ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के, ठीक है। अब मान लो ये वाला पॉइंट है ये, तो इसमें अविलंब कहाँ बनेगा, मान लो ऐसे करके बना ये अविलंब, तो अगर लाइट यहाँ से यूँ आ रही है, ऐसे करके आ रही है, तो वो ऐसे करके चली जाएगी, तो ये जो एंगल होगा वो बराबर होगा इस वाले एंगल के। तो अगर अविलंब आपका ऐसे बन रहा है, तो अगर लाइट यहाँ से आ रही है तो वो यूँ चली जाएगी, ठीक है, और ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा कि ये जो प्रकाश के परावर्तन के नियम है वो हर दर्पण पे लागू होते हैं, हर हर परावर्तक पृष्ठ पे लागू होते हैं, चाहे वो प्लेन हो या फिर खुरदुरा हो, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। अब होता है हमारा समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण तो हमने पढ़ लिया कि जो प्लेन मिरर होता है, अब उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, हमें अपनी शक्ल कैसे नजर आती है, ठीक है। तो अब ये पढ़ेंगे हम समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मतलब प्रतिबिंब जो है वो कैसे बनता है, ठीक है, ये हमारा अभी का टॉपिक है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पूरा देख लोगे तो अच्छी बात है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, तो इसके कुछ दो नियम होते हैं, एक दो। तो पहला नियम ये होता है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ये मान लो आपका कोई दर्पण है समतल दर्पण, पहला नियम ये होता है कि अगर लाइट किसी एंगल पे गिरती है, इस पे किसी एंगल बना करके गिरती है, तो वो उसी एंगल से वापस हो जाती है, वही अपना सिंपल परावर्तन का पहला नियम, ठीक है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और ये हम काल्पनिक रेखा खींच देते हैं, तो ये जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल से जाएगी, ठीक है, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम ये है कि अगर मान लो ये आपकी लाइट है, वो सॉरी मिरर है, ठीक है, दर्पण है, और आपका लाइट अगर बिल्कुल 90 डिग्री पे आकर के गिरता है, मतलब अभिलंब की दिशा में ही आकर के गिरता है, मतलब जो आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों 0 हैं, ठीक है, ना इसमें आपतन कोण बनेगा ना ही परावर्तन कोण बनेगा, ये मैं दूसरा नियम बता रहा हूँ। यह कई बच्चों का डाउट भी होगा कि सर अगर अगर 90 डिग्री पे आकर के लाइट गिरती है तो क्या होगा, ठीक है, अपने एंगल से तो बता दिया कि यहाँ से यूं गिरेगी तो यूं चली जाएगी, पर लेकिन अगर वो सीधी आकर के बिल्कुल सीधी गिरे तो क्या होगा, तो बस कुछ नहीं होगा, जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से लौट जाएगी, ठीक है। तो अगर लाइट अगर 90 डिग्री पे आपतित होती है, तो जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से लौट जाएगी, ये दूसरा नियम है, ठीक है, ये दो नियम याद रखना हमेशा, आपको समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कैसा बनता है, छोटा बनता है, कैसा बनता है, बराबर का बनता है, बड़ा बनता है, बराबर क्यों बनता है, छोटा क्यों नहीं बनता है, बड़ा क्यों नहीं बनता है, और वो समान दूरी पे क्यों बनता है, पास में क्यों नहीं बनता है, दूर क्यों नहीं बनता है, आभासी क्यों होता है और रियल क्यों नहीं होता है, वास्तविक क्यों नहीं होता है, दर्पण के पीछे क्यों बनता है, आगे क्यों नहीं बनता है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इन दो नियमों में मिल जाएंगे, ठीक है। पहला नियम, लाइट जिस एंगल पे आएगी, अगर एंगल बनाती हुई आती है, तो वो जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से लौट जाएगी, अभिलंब के साथ वह एंगल बनेगा,
ठीक है। दूसरा है कि अगर वो अभिलंब की दिशा में आकर के गिरती है तो उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। इन नियमों को लिखना है तो लिख लीजिए, मैं आपको लिखवा देता हूँ। पहला नियम ये कहता है कि अगर प्रकाश की किरण, किसकी किरण, प्रकाश की किरण याद रखना, और किसी की किरण नहीं है, अगर प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर अविलंब से थीटा कोण पर आपतित होती है, मतलब थीटा कोण पे आकर के अगर गिरती है, थीटा कोण से ही परावर्तित होगी। दूसरा नियम यह है कि अगर प्रकाश की किरण दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, मतलब 90 डिग्री पे अभिलंब की दिशा में ही आकर के गिरती है, जैसे ये है और यूं करके आकर के गिर रही है, ठीक है, ये आपका मिरर है, यूं करके लाइट आकर के गिर रही है, तो वो इसी रास्ते से वापस लौट जाएगी, ठीक है, वो मुड़ेगी नहीं कहीं पे, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी, ठीक है। लंबवत आपतित होती है परावर्तन के बाद उसी रास्ते से लौट जाएगी। यहाँ तक समझ आया? अगर 90 डिग्री पे आकर के गिर रही है तो 90 डिग्री से ही लौट जाएगी। और फिर अब इनका हम बनाते हैं, अब प्रतिबिंब बनाना, ठीक है। अब अगला टॉपिक है, कोई ऑब्जेक्ट हमारा रखा होगा कहीं पे वो समतल दर्पण के सामने, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति किसके द्वारा, समतल दर्पण के द्वारा कैसा होगा, बड़ा बनेगा छोटा बनेगा, तो प्रतिबिंब की प्रकृति। अब मान लो आपका ये कोई समतल दर्पण है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर रखा हुआ है, ये कोई जमीन मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, इसके ऊपर आपका यहाँ पे कोई कोई चीज रखी है, मान लो ये कुछ भी रखा है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, मतलब ये जो चीज रखी है कोई भी सीधी, उसका जो सिर है वो ए है, जो पैर है वो बी है, ठीक है। अब ये ए की इमेज कैसे बनेगी, देखो प्रतिबिंब बनने के लिए, इस पॉइंट को भी नोट कर लेना मेरे जो मैं बोल रहा हूँ, कि प्रतिबिंब बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, सबसे जरूरी पॉइंट है प्रतिबिंब बनाने में। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम, बनाने के लिए कम से कम दो परावर्तित, कम से कम दो परावर्तित किरणों की आवश्यकता होती है। कौन सी परावर्तित किरणें, मतलब जो आपस में अगर काटेंगी तभी इमेज बनेगी, जहां पे काटेंगी वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। कितनी किरणों की आवश्यकता होती है, कम से कम दो। यहां पर अगर मुझे इसकी इमेज बनानी है ए बी की, तो मैं क्या करूंगा कि देखो पहली लाइट मैंने ए से पास कराई, मान लो मैंने सीधी पास करा दी यूं करके आई, तो अब ये कैसी गिरी है, अभिलंब के दिशा में गिरी है, क्योंकि आपतन बिंदु क्या है, ये है, और इस पे अभिलंब भी ऐसे ही होगा, तो लाइट कैसे आके गिरी है, 90 डिग्री पे आके गिरी है, तो अगर वो 90 डिग्री पे आकर के गिरी है यूं करके, तो 90 डिग्री से ही लौट जाएगी। ये पहला, दूसरा नियम था ये कि अगर वो 90 डिग्री पे आकर के गिरती है तो 90 डिग्री से ही लौट जाएगी, ठीक है। और बी से भी जो किरण यहाँ से यूं आएगी, ठीक है, बी से होती हुई वो यूं आ करके और इधर से ही लौट जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो अविलंब पे गिर रही है, 90 डिग्री पे गिर रही है। और ये जो ए से, अब एक एक रे तो मिल गई हमें ये वाली, ठीक है, और ये दोनों पैरेलल होंगी तो ये तो कभी मीट करेंगी नहीं। अब ए की अगर हमें इमेज बनानी है तो हम क्या करेंगे, हम ए से दूसरी लाइट रे यहाँ पे गिराएंगे, ये मेरा थोड़ा ड्राइंग पे ध्यान मत देना, जो समझा रहा हूँ उस पे ध्यान देना। ये दूसरी रे हमने कैसे गिराई, एंगल पे। अभी पहला नियम क्या लिखा था, अगर कोई लाइट रे, प्रकाश की किरण अगर थीटा एंगल पे गिरती है, मतलब थीटा कोण बनाती है अभिलंब के साथ, तो परावर्तित किरण भी थीटा कोण बनाएगी। तो मान लो ये आपकी किरण आई, ठीक है, ये यूं करके आई, आ करके ए से यहाँ पे गिरती है, तो ये अभिलंब के साथ कितना कोण बना रही है, मान लो थीटा कोण बना रही है, ठीक है, तो अब ये परावर्तन के बाद भी कैसा कोण बनाएगी, थीटा कोण बनाएगी अभिलंब के साथ, ठीक है, तो ये कैसे रास्ते पे लौट जाएगी, इधर को लौट जाएगी,
ठीक है। और ये वाला कोण कितना होगा, ये कोण भी थीटा होगा, क्योंकि जिस एंगल पे आई थी उसी एंगल से लौट जाएगी। तो ये दो नियम आपके अब समझ में आ रहे हैं कितने जरूरी हैं ये, ठीक है। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो नियम है। अब क्या करते हैं हम, अब देखो एक लाइट रे कैसी आई, एक टकरा करके ए से अभी बात कर रहा हूं मैं, एक लाइट रे टकरा करके हमारी इस डायरेक्शन में आ गई, इस दिशा में जा रही है, और दूसरी कहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है नीचे की तरफ, ठीक है, टकराने के बाद। तो अब अगर ये टकराने के बाद नीचे की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी मिलेंगी नहीं आपस में। देखो इस वाली को देखो और इस वाली को देखो, ये जो है ये हमारी है, ठीक है। तो ये तो कभी आपस में मिलेंगी नहीं, तो अगर ये आपस में कभी मिलेंगी नहीं, और परावर्तित किरणों का मिलना जरूरी होता है इमेज बनने के लिए, ठीक है, ये जो आपको लिखवाया है ना, कम से कम प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो परावर्तित किरणों की आवश्यकता होती है, जो आपस में काटें, आपस में मिलें, तभी तो हम उस पॉइंट पे इमेज बनाएंगे। जैसे एक लाइन ये है, जैसे मान लो आपकी एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ऐसे है, ठीक है, एक एक इधर जा रही है, ठीक है, दूसरी ऐसे जा रही है, तो ये तो कभी मिलेंगी नहीं आपस में इस आगे जाके। तो हम क्या करते हैं, इनको पीछे मिलाने की कोशिश करते हैं, हम कल्पना करते हैं कि ये पीछे कहीं मिल रही होंगी। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये आपका एक 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 प्रकाश की किरण मान लो ऐसे जा रही है, ठीक है, दूसरी प्रकाश की किरण क्या है, दूसरी प्रकाश की किरण ये मान लो ऐसे जा रही है, ठीक है, और दूसरी प्रकाश की किरण है जो जो मतलब ऐसे करके जा रही है। तो अब आपको पता है कि ये इधर तो कभी मिलने वाली है नहीं, मतलब इस साइड में, यहाँ तो कभी मिलेंगी नहीं क्योंकि डाइवर्ज हो रही है। ऐसी किरणों को बोलते हैं अपसरित, मतलब अपसरित हो रही हैं, अपने रास्ते से मतलब दूर जा रही हैं, ठीक है। तो अब अगर ये अपसरित हो रही हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ये कल्पना करते हैं कि ये कहीं पीछे मिल रही होंगी, ठीक है, कोई पॉइंट ऐसा होगा जहां पर ये पीछे से मिलती हुई फिर वहां से अपने ये रास्ता भटक गई है और यूं करके जा रही है, ठीक है। तो ऐसी हम कल्पना करते हैं, अगर हमें ये दो रे पता है, एक इधर जा रही है दूसरी इधर जा रही है, तो हम ये सोचते हैं कि यहाँ कोई पॉइंट होगा जहां से ये दोनों निकल रही होंगी, उस पॉइंट को हम कल्पना करते हैं, ठीक है। वो वास्तव में हमें नहीं पता है वो वहां से आ रही है, बट हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं अपने दिमाग में, और दिमाग हमारा कल्पना करने में बहुत तेज है। ऐसे ही अब इस केस पे अगर हम आए, तो आपको साफ दिख रहा होगा कि एक रे इधर जा रही है दूसरी रे इधर जा रही है, दे विल नेवर मीट, वो कभी नहीं मिलेंगी। तो हम क्या करते हैं, हम ये इमेजिन करते हैं कि शायद ये कहीं यहाँ पीछे मिल रही होंगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक इसको पीछे बढ़ाते हैं और इस वाली को पीछे बढ़ाते हैं, ठीक है, दोनों को पीछे बढ़ाने पे हमको ये एक पॉइंट मिलता है यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो दोनों रे हैं, ये कहाँ से हो रही हैं, ए से आ रही हैं, ये वाली भी ए से टकरा करके जा रही है और ये वाली भी ए से टकरा करके जा रही है। तो जब ये दोनों ए से टकरा करके जा रही हैं, तो हमने एक ही इमेज को कैसा बनाया, यहाँ पे बनेगी एक ही इमेज, जहाँ से ये टकरा करके आ रही होंगी। हम यहाँ पे मान लो हमारी आईज हैं, ठीक है, तो हमारी आंखें, दिमाग ये सिमुलेशन करेगा, अपना अंदाजा लगाएगा कि ये कहाँ मिल रही होंगी। तो दिमाग को एक इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि वो यहाँ मिल रही होंगी, तो जो यहाँ पे ए था हमारा वो कहाँ आ गया, अब उसकी इमेज कहाँ बन गई, उसकी इमेज यहाँ पे बन गई, ठीक है। तो और बी की इमेज भी इसी के साथ में बन जाएगी। तो ऐसे करके ये जो तुम्हारा था ए, अब ये ए हो गया ए डैश, और जो जो बी था वो यहाँ पे आ गया तुम्हारा बी डैश, ठीक है। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया है कि हम जब वो वास्तव में किरणें नहीं मिलती हैं, तो हम उनको पीछे बढ़ाते हैं, और जब पीछे बढ़ाते हुए वो किरणें किसी पॉइंट पर जा करके मिलती हैं, तो वहां पर उसकी इमेज बनती है। अब देखो, अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, अब ये किरणें वास्तव में यहाँ पर नहीं मिल रही हैं, ठीक है, वास्तव में अगर नहीं मिल रही हैं, तो ऐसी इमेज, ऐसे प्रतिबिंब को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। इसको पिक्चर हॉल की जैसे स्क्रीन होती है, ठीक है, उसको
उसको मतलब स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता। अब जैसे हमारी समतल दर्पण होता है, आप फेस देखते हो अपना मिरर के अंदर, तो उस फेस में जो आपकी प्रतिबिंब बन रहा है मिरर के अंदर, उसको आप कहीं खींच मतलब उसे कहीं स्क्रीन पे नहीं ले सकते। किसी प्रोजेक्टर का यूज करके आप दीवार पे उसकी इमेज नहीं बना सकते, ठीक है? तो रियल इमेज नहीं होती है, इस ऐसे प्रतिबिंब को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, ठीक है? मतलब आभास हो रहा है, हमारे दिमाग को आभास हो रहा है, हमारी आंखों को आभास हो रहा है कि ये इस पॉइंट से कहीं से आ रही हैं। तो ये ए की इमेज कहाँ बन गई? ए डैश पे बन गई, ठीक है? और बी की इमेज बन गई बी डैश पे। यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर ए डैश है, तो ये क्या है? बिल्कुल सीधे पॉइंट है। जैसी ये बिल्कुल सीधा है, जैसा ऑब्जेक्ट, जैसा ये वस्तु रखी थी वैसा ही, जैसी वस्तु रखी थी वैसी ही उसकी बिल्कुल सीधी बनी है, सीधी बनी है ना जो प्रतिबिंब है, तो आभासी बनी है, सीधी बनी है। और देखो एक चीज और होती है कि ये बराबर दूरी पे बनती हैं। जैसे अब आपको ब्लैक से दिखाता हूँ कि जैसे मान लो ये पॉइंट ओ है, ठीक है? ओ, तो अब यहाँ पे जगह नहीं बची है, बट फिर भी आप समझ लो जितनी डिस्टेंस ओ बी होगी, ओ बी जो है ये जो डिस्टेंस है, जितनी दूरी पर ये वस्तु रखी है दर्पण से, उतनी ही दूरी पर दर्पण से उसका प्रतिबिंब बनेगा। मतलब ओ बी बराबर होगा ओ बी डैश के, ठीक है? ये वाली पूरी डिस्टेंस, ये जो है आपकी, ये वाली पूरी डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस ओ बी वाली, ठीक है? ये बराबर होती हैं, तो इसे कहते हैं हम ये समान दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है? और ये कैसा होता है, आपको आप अपने मिरर में देखा होगा, आपने अगर आप खड़े होते हो तो जब आपका प्रतिबिंब बनता है, मान लो आप सीधे खड़े हो तो आपका सीधा ही प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, यानी आपका सिर है तो सिर ऊपर ही रहता है, सिर नीचे नहीं जाता है, इसको बोलते हैं सीधा प्रतिबिंब। और आपने देखा होगा आपका जो राइट हैंड होता है वो इमेज में आपका लेफ्ट हैंड बन जाता है ना? और अब यहाँ पे इस फिगर में मैं आपको समझा नहीं सकता, लेकिन आपको ये आसानी से पता होगा कि जो हमारा राइट हैंड होता है वो समतल दर्पण में जब हम उसका प्रतिबिंब बनता है हमारा, तो हमारा राइट हैंड जो है सीधा हाथ वो उल्टा हाथ बन जाता है प्रतिबिंब में, इसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तित। तो समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं? समान दूरी पर बनते हैं, पार्श्व परिवर्तित होते हैं, सीधे होते हैं, आभासी होते हैं और दर्पण के पीछे बनते हैं। तो आप इन पॉइंट्स को याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में ये सीधे सीधे डायरेक्ट आ सकते हैं। और ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो मैंने शायद आपको समझा दिया है। अगर आपको नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा stayWithParents@gmail.com, तो आप उस पर मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो, उसका अगर मैं जवाब देने लायक होऊंगा तो उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा, ठीक है? तो प्रतिबिंब जो है वो कैसे बनते हैं? मजेदार बनते हैं, ठीक है? समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं? मजेदार। तो समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है? पहला चीज, समान दूरी पर। समान दूरी का मतलब जितनी दूर जो वस्तु है उतनी दूरी पर बनता है, मतलब यहाँ अगर यहाँ पे वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ठीक है? दर्पण के पीछे बनेगा, समान दूरी पर, आभासी। और एक बात आपको बता रहा हूँ, जो आभासी प्रतिबिंब होता है ना वो हमेशा सीधा बनता है, आभासी सीधा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जहां भी आभासी बनेगा वहां सीधा बनेगा, ठीक है? ये सी सी एक साथ आते हैं, ये जो सी सी हैं ये एक साथ आते हैं, ठीक है? तो और ये जो सी सी को मत भूलना कभी, जो आभासी होगा वो सीधा होगा, ठीक है? आंख बंद करके अगर सीधा मिल गया तो आभासी होगा, आभासी मिल गया तो सीधा होगा, ठीक है? समान दूरी पर होंगे, ठीक है, आभासी होगा, सीधा होगा, और कैसा होगा? दर्पण के पीछे, ठीक है? दर्पण के पीछे की साइड बनेगा, मतलब जहां वस्तु रखी है उस साइड नहीं बनेगा, उसके अपोजिट साइड बनेगा, तो दर्पण के पीछे, ठीक है? और पार्श्व परिवर्तित, पार्श्व पार्श्व परिवर्तित का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि जैसे एम्बुलेंस देखी है, एम्बुलेंस में उल्टा लिखा होता है एम्बुलेंस, ठीक है? तो वो इसलिए लिखा होता है पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि जो ड्राइवर को जो उसके गाड़ी के अंदर जो
प्लेन मिरर अगर लगा हुआ है समतल दर्पण, तो वो उसका सीधा इमेज बनाए। अगर एम्बुलेंस पे उल्टा लिखेंगे तो उसका सीधा प्रतिबिंब बनेगा और ड्राइवर आसानी से पढ़ लेगा कि एम्बुलेंस आ रही है, जगह दे दो। ठीक है, तो इस कारण से एम्बुलेंस पे जो लिखा होता है ना उल्टा, उसका कारण यही होता है कि ड्राइवर को सीधा दिखे। और सीधा क्यों दिखता है? क्योंकि जो प्रतिबिंब बनता है वो साइड से उल्टा बनता है, मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड होता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड होता है। तो होपफुली आपको इतना समझ आ गया होगा। और ये आप इमेज बना करके देख सकते हो, जैसे मैं आपको यहाँ पे कोशिश करता है यार दिखाने की, बट गूगल पे ना कुछ इमेजेस का अगर हम लेते हैं वहाँ से तो शायद मुझे कॉपीराइट आ जाता है, इस वजह से मैं किसी की बनाई हुई इमेजेस को यूज़ नहीं करता हूँ इसलिए। और अगर मान लो कॉपीराइट आने का खतरा रहता है, मतलब इसलिए कोशिश करता हूँ कि मैं खुद की ही इमेज बनाऊँ, तो ये बेटर रहता है हमारे लिए। तो और आपको लेकिन इसमें इमेजिनेशन करने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, तो खुद से मैं अभी इतना वो ड्राइंग मास्टर नहीं हूँ कि 3D फिगर्स को आराम से बना लूँ, मुझसे अच्छे से नहीं बन पाती हैं, तो इससे अच्छा है मैं आपको बस ओरली समझा दूँ। तो होपफुली आपको इतना समझ आया होगा। अगर यहाँ पर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा, और प्लीज़ थोड़ा हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।